उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने बेहद नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। ट्रैफिक निदेशक केवल खुराना ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को ट्रैफिक नियमों की सही जानकारी के लिए ट्रैफिक पुलिस गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी समेत आधे दर्जन से ज्यादा भाषाओं का ऑडियो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी करेगी। इसके तहत सभी स्थानीय भाषाओं में रोड एक्सीडेंट के कारण ट्रैफिक नियमों की जानकारी समेत सभी बातों को बताया जाएगा। उत्तराखंड डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियर अपनी नियुक्तियों को लेकर सड़कों पर उतरकर सचिवालय के लिए कूच किया। पुलिस ने सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया, जिसको लेकर सभी डिप्लोमा होल्डर्स ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियर से जुड़े लोगों की मांग है कि सरकार उपनल संस्था को बंद कर हम लोगों की नियुक्तियां आयोग के द्वारा संविदा पर की जाए। यदि सरकार हमारी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो 2 फरवरी से प्रदेश के सभी छात्र, युवा, बेरोजगार देश भर में प्रदर्शन कर सरकार को घेरेंगे। सचिवालय कूच करने का प्रमुख कारण ये है कि जो हमारे मंत्री जी हैं, इन्होंने हमसे 2 महीने पहले वादा किया था कि उत्तराखंड में जितने भी इंजीनियरिंग के पद हैं वो आयोग के द्वारा भरे जाएंगे, बट इन्होंने ऑन द स्पॉट हमको ये आयोग के द्वारा पद ना भरवाकर उपनल के माध्यम से वैकेंसी दे दी है, जिसमें इन्हीं के रिश्तेदार या वो लोग लग रहे हैं जो क्वालिफाइड नहीं है उस चीज के लिए, क्योंकि 2 महीने पहले इन लोगों ने उत्तराखंड से पेयजल निगम से कुछ इंजीनियरों को निकाला यह कहकर कि ये वरीयता नहीं रखते हैं, इनके पास वो क्वालिफिकेशन, इनके पास वो स्किल नहीं है कि एक जेई के पास हो, और दोबारा इन्होंने उन्हीं जेई को दोबारा रख दिया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 2 फरवरी को हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसमें 10,000 इंजीनियर आएंगे हमारे, और हमारे सभी संगठन, इंजीनियरिंग संगठन हमारे साथ खड़े होंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं समस्त क्षत्रिय संगठनों व हिंदू संगठनों की एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन एक होटल के सभागार में किया गया। इसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर कुशल पाल सिंह पुंडीर ने फिल्म पद्मावती को लेकर कहा कि पद्मावती क्षत्रिय समाज की नहीं समस्त हिंदू समाज की माता है। फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली द्वारा पद्मावती के चरित्र को गलत तरीके से दर्शाकर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके राजपूत समाज के इतिहास को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हमारे फिल्म पद्मावती जो बनाई गई उसमें हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया, राजपुतानियों को उसमें जो है नाचते डांस करते दिखाया गया, हिंदू समाज की इसमें सबकी बेइज्जती की, इसका जबरदस्त विरोध कर रहे और विरोध करेंगे। पूरा हिंदू समाज इस पिक्चर को जो है यहाँ चलने नहीं देगा, चाहे अपने प्राणों की भी आहुति पूरे समाज को क्यों न देनी पड़े। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी प्राइवेट फाइनेंसरों के द्वारा छोटे व्यापारियों से लेकर घरेलू लोगों को मोटे ब्याज पर पैसा देने के बाद उनको डरा धमका कर गाली गलौज की जा रही है। जितने प्राइवेट फाइनेंसर हैं, इनके ऊपर सरकार कार्रवाई करे। बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि जितने भी ये प्राइवेट फाइनेंसर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के गुंडे हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता और पदेन सदस्य बनकर स्थानीय जनता को लूट रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। दुख इस बात का होता है कि सैनिक सेना में बॉर्डर पे काम कर रहा है और उसका परिवार उत्तराखंड की सरकारों के द्वारा सुरक्षित नहीं है, ये शर्मनाक है। और आज हमारी ये मांग है, और सरकार ने अगर ये मांग नहीं मानी तो हम आंदोलन करेंगे और अपनी जनता को न्याय देंगे। शामली के जिंजाना पुलिस ने हरियाणा से यूपी लाई जा रही करीब 45 लाख की अवैध शराब पुलिस चेकिंग के दौरान बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि जनपद शामली के थाना जिंजाना प्रभारी संदीप बालियान अपनी पुलिस टीम के साथ हरियाणा यूपी बॉर्डर बिडोली चेक पोस्ट पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। पुलिस चेकिंग के दौरान हरियाणा की ओर से आ रहे 2 ट्रकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक चालकों ने ट्रकों की स्पीड को और तेज कर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रकों का पीछा कर मौके से 2 ट्रकों को चालकों सहित पकड़ लिया। तलाशी लेने पर ट्रकों के अंदर से हजारों की तादाद में हरियाणा मार्ग का अवैध शराब बरामद हुई, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपने नाम जनेश्वर राजेंद्र अमृतपाल, जिला फाजिलका, राज्य पंजाब बताया है। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ संगीन धारा में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। जिंजाना थाने का मामला है, 2 ट्रक जो हरियाणा बॉर्डर से आ रहे थे,
दोनों में लगभग 1050 पेटी शराब है। दोनों ट्रक को पकड़ लिए गए हैं और तीन उसके मुलजिम पकड़े गए हैं। तीन फरार हो गए उसमें और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।